नमस्ते बाबूजी। जाने बहू कैसी हुज्जे, कर तो लाओ है अपने मन को ब्याह, लेके और आ जा तू, मैं ही देख लेती। ओह माय गॉड, कब हुआ बाबू? ओह माय गॉड, अरे बाबू क्या होगा, मार का रही तुम? मेरे पैर में लग गई है, तुम बार बार पूछ रहे हो क्या हो गया क्या हो गया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि गांव में मैं चल नहीं सकती हूँ हील वाली सैंडल पहन के? अरे बाबू हमने पहले बोली थी कब स्लीपर चप्पल ले लू। तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये मेरी फेवरेट सैंडल है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, इन्हें नहीं छोड़ सकती, आई बस समझ में? अरे हाँ बाबू को वही छोड़ो ना, वह छोड़ो ना, हमें छोड़ो, चल चल बाबू, बीच बीच में रखियो घोड़े हैं। हाँ ऐसी चले चलो, कितनी अच्छी गली है देखो। दिखा तो अबे लो नन्या, कई तो हाथी तू लड़काने के 10-11 बजे लो ले वागता हूँ बहुआ, अप्पा तो नहीं कहाँ रह गए है। पक्का बताओ यार, मैं तो जब डाड़ी आड़ी बनवाने थी, भूरे बार होगा डाई आई करवाने थी, नहीं तो बार डोकरिया प्राण खा ले। और वो लड़का एक ही तो लड़का, तो मैंने तो भेजो तो ते पढ़े हैं, और उन्हें मैं डोकरिया गाती के ब्याह कर लो उन्हें, मैं तो सोचा तो 8-10 लाख मांगो और अच्छी शादी करो मेरे हाउस से, लेकिन वो जाने वहीं से ब्याह कर लाओ, कहा बताओ मैं तो परेशान हो गो। कहे तो मैं तो बैठे बैठे का कर इसी से ही देखा तो को नहीं होने तो मैं जवान बढ़ापे से। अरे मैं जो देखा तो के मैं जो डाड़ी मूछ कटवाया। हाँ सो लड़का, हाँ देखे अबे लो नहीं आओ है सो लड़का। अबे जा रहा हूँ मैं देखन, कहाँ चलो बहु, आ रहा हूँ तू कहाँ भाई? हाँ आ रहा तो जल्दी देख के आ। हाँ हाँ जा रहा हूँ हम, वहीं जा रहे। पता नहीं है डुक रखे ऐसा हुआ है जो बुढ़ापे से जैसे जवान ना हो जाने हुए, आजकल को तो जमाना ही खराब है, जैसे बाप है वहाँ से उसको लड़का है। अरे जो कुआ बहुरानी है दद्दा, तुम्हारी बहुरानी ऐसी आधे उन्ना नीचे नहीं है और आधे ऊपर नहीं है, कैसे उन्ना फिर कहा दत्ता तू इन जा रहा है खराब, कहा देख ऐसी नोनी तो देख तो पता नहीं ऐसी तो बहु है तुरी। What I mean, दद्दा? दद्दा जी हमारे दद्दा। You mean father? या। Okay okay. देखो हमें भी तंता ना उठे इंग्लिश। Hello. काय? जा काम हो या तो हाथ हलाओ। दद्दा, हलो अकात में हलो। कैसो हलो? फोन राम, पर... राम 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 अकात। दो ही हाथ जोर खेनी का बात हो, एक हलाओ। एक में मोबाइल लेना बा। अच्छा अच्छा। हाँ दद्दा। कारे मैंने तो है इकेला ना भेजो तो ते। ओ का दद्दा। बाहर। ऐसी मोड़ी से ब्याह कर ले, आधे उन्ने नीचे नहीं है और आधे ऊपर नहीं है, मोल लगा दे तो। हाँ भाई अब देखिए तेने भेजो तो पढ़े हैं तो पढ़ के भी तो ब्याह करने तो सुमे नहीं ऐसा ही ब्याह करने मोड़ी से ब्याह करने तो तो दद्दा मुँह तो पसंद है देख, पूरे घर है जा तो डोकरिया खटिया खड़ी कर देना तोरी। दद्दा तुम्हारी बहू ना बाई से सुंदर है। सुनो मेरे पैर दर्द हो रहा है, मुझे बैठना है। चलो 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 बाबू, दद्दा चल तो बहू के गोड़िया प्यार लगे तो कुछ उसी तो डरवा दद्दा। चलो बाबू आ गए घर। ओके ओके भाई आ गए हम। हाँ खुशी रहो, जाको भाई बहू का तुम्हारी। आंटी मैं अच्छी लग रही हूँ ना, जा बहू को मोरी। भाई बहू का तुम्हारी जा, यही जा ऐसी बड़ी लिखिया है ना, लगता नहीं मिले पूरे गांव में ऐसी, ये चली है बिल्कुल बिना कपड़न के। भाई जमाना नहीं देखा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तैसे को तेरे चढ़ गए जमानो। बोलिए ना मैं तो यहाँ भाई नकारत घर से बाहर मोहन जाने से बहू देख दू पहले कछलो नहीं पैर रखू ने। हाँ भाई बहू आई निकालने देख दू नकटा तो शर्म नहीं आई है, ऐसी बहू को पकड़ के ले आते हैं जिन होना लानी पैर के आई है ना, मोड़ पे होना करे हैं है? भाई अब कल ले सो मोड़ पे होना होते कुआ देख तू भाई। हाँ जो पूरे गाँव में ऐसे आ गई है बिल्कुल मटक मटक के। गाँव का नहीं देखू मैंने, देखू तू कक्का भाई को दूर खुले तू सबकी दूरी बंधा देती कौन उठ पाओ जानी से तो आ गाँव में। मुँह देख मैं गुस्सा चढ़ा मैं बहुत नहीं है, जान से मार दो निकाल दी मैं नहीं है अपना हूँ भाई तो हुए मार दे जेल चली गए है। सुनो ये क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी, जब से सुन रही हूँ वो दादाजी भी कह रहे थे कि कपड़े कपड़े हो, ये भी कह रही है कपड़े कपड़े, इतने अच्छे तो कपड़े लग रहे हैं मेरे डबल कलर के, बताओ अच्छे नहीं लग रहे बाबू? हमें तो लग रहे बहुत अच्छे। तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा नहीं हो रही भी, जो रीति रिवाज है तेरे को जैसे नई बहू उस रीति रिवाज है जो। ओके ओके हाँ अभी नहीं हो रही, बहुत खुश आए भी तो। हाँ मैं हूँ ही सुंदर। हाँ 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 अरे तुम तो बहुत सुंदर आओ तुम भाई, तुम पे गुस्सा काहे हो शहर की, अब अगर गुस्सा हो जाए ना तो मार मुड़ जाए। हाँ, मैंने देख ली शहर की है, शहर के मुँह निचाने ऐसी बहु पूरे होना पैरा के ला पहली। हाँ तो भाई मुँह तो चाहने तो नहीं चाहने सो तुम मुझे कहा कर रहे
मैंने तो यहाँ बहुत डांटो तुरे लाल प्यार ने आओ यहाँ बिगाड़ के धर दा पूरा। तो मैंने कही थी कि ऐसी बहू लेके आएगी तो बाहर जाके मैंने तो भेजे तो पढ़ भी नहीं तो मैं ऐसा लाल प्यार शुरू से गलत जाते समझ में आया थी पूरे पूरा भरे में मोरी नाक डुबा के धर दे पूरी कटवा दी ना तोरे लड़का ने दद्दा कान डूबी देखी जा देखी भाई दद्दा नाक लगी नहीं है भाई उबाड़ो बोलो तो दो चार सुनो मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। चलो बाबू भीतर तुम्हारे गोले पिला लेंगे उते बेच जाओ खटोली पे चलो कहां 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 बेच जाइए भीतर एते निराना मोरो घर आज जैसे ब्याह करो अपनी मर्जी से वहां से तक जा बाहर घर बना अपनो खुद के पैसन को देखिए दद्दा भाई का आकार सही तो का नकर घर से बाहर दद्दा छन मोई निकल लिया मोही सा बात फे मुंह में धर दे तोरे ये डंडा भीतर खोपड़ी फूट जा अब हिंसा करन लगो रे ते रोटियां तो पूछनिया के लड़का बहु उत्ते दूचा डंडा धर दे मुंह में सुआ फूजात में क्यों मेरे हस्बैंड की बैंड बजा रहे हो देखिए चल कर दे माता आ दे पानी और बहू का भीतर कर आदमी देख रहे बाद में देख भी और सोच भी के का करना इनके संग दद्दा समझदार होगा जब से मैं गाँव से उतार लो तुम्हारी पानी यानी मैं नहीं उतार इनको पानी अरे मोरे काम आ का जे उतार ले माँ जल्दी से और अलग कर आदमी देख रहे न कर रहे अब ऐसे हाँ तो जल्दी उतरवा तो तेरा भीतर जल्दी चले जाए गोले प्लान लगी बता दे माँ खड़ी बाज अब से अब ब्याह होगा तो होगा माँ पवर हमारा माँ भाई जो कहा जो कहा मोरे लड़का हाँ फंसा ले ना गिन से डायन ने ओ माय गॉड मेरा फेस खराब हो जाएगा मेकअप भी खराब हो जाएगा कहाँ से आई है जो बताई थी ना पढ़ी लिखी है भाई बहन ऐसी पढ़ी लिखी है नो नो लगवा तुम पसार जाओ पानी उतार दीजिए कहाँ से ढूंढ के कर्म ही फूट गए भाई जा लगा जाते नो उतार की लगा तो है गड़े मार से मूड फूट जाए ले लात मार के आज महारानी आई रामी नागिन ने चाट ला मोहा मोरे औक ते पांव तोड़ डारो इनक ती शर्म नहीं आई मैंने कह दिया कि लगी गड़े में लात मार और फिर आ जा भीतर का होगो मोरा पांव टूट गया कौन मु जिंदा रे अपन अब तुम मर जाने बूढ़ी अम्मा तो गिर गई अरे बाबू तब टेंशन ना लियो हमारी बाई नहीं ना घी दूध है ना खाओ भैंस क्या को चलो उठ के खटिया पे बैठ जा अरे मो सोना बने जब तो अरे मैं देख रहा हूं यहां बैठ जा कारे तोरे मोई में धर दे जो डंडा ते भाई ये कही तो डोकरिया है ते वो ये चाट ले है का दद्दा कौन में नहीं आ चुप मारू समझाई बहू आपने कैसा ब्याह करवा के ले आओ भाई तू कत्ती के लात मार के आज ये चल गड़ाई नहीं देखा गड़ाई में कत्ती तो ऐसा बोलना चाहिए ना कि गड़ाई में लात मार हां बाबू ऐसे तो न बोलू ना ही इतना बड़ा होगा तो ही नहीं है जो ज्ञान के दद्दा पहली बार लात मारने पहली बार तो मोर ब्याह बहू मुका पे तो कैसे करने गांव में को के ब्याह नहीं देखे का बहू के कदम कैसे परत घर में मैंने जद्दा जात को की बहू देख भी फिर कह के को की बहू ने देखा नक्ता ते का देखा ते बाहु बाहु के कदम देखे पहले आओ ते को गोड़ा तो डर पता नहीं रोटी बाड़ी में जहर न मिला दे के मम्मी जी मैंने तो चीनिया मिलाई थी से ऐसी चली जाऊं ऊपर हां भाई अब यहीं जाए तो मैं तरक दे रुक जाऊं अबे अरे आंटी जी मैं ऐसी नहीं हूँ लग गई क्या आपको जोर से नागिन भाग जा मा दूर मोसा ठीक है दूर नहीं कर लिए तेरे को मोई नजरन से बाबू इन्होंने मुझे धक्का मारा कैसे मारा धक्का अरे बाबू धक्का नहीं मारो जब खटोरी कहा होती पे बैठने जो नेगा करती भाई ऐसो मेरी हेयर स्टाइल खराब कर दी पाला से अभी तो आई थी 800 रुपए दे के बताओ इतने पैसे लगे अगर आइंदा से ऐसी हरकत हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नहीं नहीं बाबू अब ना हुज्जे तो बिल्कुल दिक्कत ना ले अब बिल्कुल ना हुज्जे अब तो अपन आराम से घर में रहने मैं थक गई हूँ बैठने की जगह दो बैठ जाओ बाबू यहीं पे बैठ जाओ मैं यहाँ नहीं बैठूंगी मुड़ में बैठ जाओ के यहाँ नहीं बैठूंगी तो बाबू चलो तुम अंदर बैठ जाओ फिर लो आ जा जल्दी छल छल करवा रहा के भाई चोरा जा तुम भाई गुस्सा काए हो तुम हां मैं से बांध के ले आई थी बाप के होते ऐसे कर्म ही फूट गए मैं तो कहा तो मोरे ऐसी बहू मिली मुहा का के हैं चार आदमी मोए का के हैं अब तुम्हारी लाड़ प्यार ने तो बिगाड़ के धर दऊंगा बाबू अच्छे से देख के चलो कैसा घर है तुम्हारा टूटा फूटा सा कैसे माँ बाप है तुम्हारे समझ में नहीं आता जो है सो बेकार ही है बाबू गोदरी जा बनी जाए इनमें कपड़ा रखे बाल खराब हो गए बैठो बैठो बाबू तुम्हें तभी बैठो नीचे बैठना पड़ेगा बाबू जब इतनी अच्छी चटाई जब बिछी जा हम आए थे कि सुबह हो जब हो ओके मैं बैठ नहीं पा रही हूँ
तो बाबू खड़ी ना फिर हम बैठ जाए लो। तुम बहुत बेकार हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अब बाबू तुम्हें तो कहती हम तुमसे प्यार कराई थी। सुनो मैं ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रह सकती, चलो शहर चलते हैं आज ही। बाबू तुम समझो, ये तो इसे आए हमारे बाप के ना कम से कम 20 लाख की जाए प्रॉपर्टी, जमीन घर, यही से आए कि अपने ते अभी दद्दा भाई कर दे भी खोसा पने हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर दे हैं। 20 लाख? 20 लाख? अच्छा बहुत है दद्दा लो मारो पैसा, दी खत में लगा तू बड़ा रास हो, पैसा बहुत है उलो। अरे वाह ठीक है, तो ये पैसे कब मिलेंगे? अब तनक रोको का चुदन रोक नहीं आया अपना, उन्हें तनक खुश करने आने थे, ऐसे कैसे मिले जात। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तो मुझसे बहुत गुस्सा है, वो कैसे जमीन नाम करेंगे? बाबू तुम्हारे नाम भी हमारे नाम कर दे है, हमारे नाम से तुम्हारे नाम। ओके ओके हाँ हाँ तो अभी करवा लो ना। बाबू इतनी जल्दी कैसे कर दे है भी? उन्हें मनाना पड़ेगा। तो बाबू टाइम लगे मनाते, अभी तो तुमने उन्हें लगा दे दी, सो कहां से इतनी जल्दी खुश हो जाए अभी? तो उसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी बूढ़ी आंटी है ना वो पागल है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसने बोला है कि लात मार के भीतर आ, तो मैं आ गई। हाँ बाबू सुनो तो मेरा भी ऐसा ही तो भाई कहती लात मार के भीतर आ जाओ, अब होगा माँ जो होगा सो। अब देखो ये तई राह अच्छी से जो घर है जो पूरा सब अपने यहाँ है, सो भाई यहाँ खुश करो दादा खुश करो। जब प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी फिर चले जाएंगे। बाबू सब हो जाए तब कहते, यही से तो हम तुम्हें लेके आए थे यार, तब कहे मुँह को साझ हो लगा शहर में बहुत अच्छे लगा, तो सब चीज मिलत खाए हाँ, टिकियाँ मिलती, समोसा मिलत, ये तो कौन कछु मिलता है। एक बात पूछूं? हाँ बाबू पूछो। तुम्हारे मम्मी पापा खुश कैसे होंगे? बाबू मम्मी पापा खुश हो जाए हैं, तनाक्षी तुम्हें मेहनत करने आ है। कैसी मेहनत? ये कपड़ा जो तुम पहन के आई हाँ? ये हमारे दद्दा भाई है बिल्कुल नहीं है पसंद, ये तो गाँव में कौन को पे रहता है, तो तुम्हें इतने राने से साड़ी पहनने आ है, साड़ी पहरो अच्छी चूड़ियाँ पहरो और अच्छो मंगलसूत्र लटकावे न बड़ो, और भाई यहाँ दो ही टाइम रोटी यहाँ पूछो तीन बेर पानी यहाँ ना भी पिए भी पानी सो ले जाके मुँह में दता दो। अच्छा हाँ उसको भी खुश हो जाए कि बहू हमारी बहुत सेवा करत। ओके ओके मैं समझ गई, सेवा करनी है। हाँ हाँ सेवा करनी है। ओके अब मैं ऐसी सेवा करूंगी कि वो 20 लाख की जगह पे 40 लाख नाम कर देंगे अपने। बाबू 20 लाख तो है, ये 40 कहाँ से कर देंगे? तुम हो गधे पागल, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं समझ गई हूँ, और 20 लाख की जगह 40 लाख ही मिलेंगे। हाँ बाबू हम तो कहते 40 मिल जाए और अच्छी, 20 तो मैं मिल जाए, 20 हमें मिल जाए है। ओके ठीक है, तो बाबू अब तुम बैठो, हम तो माला खाए ले आज भूख लगे आई मुझे। ओके हाँ मुँह खुद बाबू यहाँ भूख लगी। हाँ ले आओ। हाँ जो सामान अपना धर लग जो भाई से कछु कज्जू ना भाई आ जाए सु अच्छे से बोलियो। घर तो अच्छा नहीं है, कैसे रहूंगी मैं यहाँ पे? ओ माय गॉड कैसा घर है, टूटा फूटा सा, कितने गंदे गंदे बैग हैं, कितनी जगह पे टांग रखे हैं इस बुढ़िया ने। लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को इम्प्रेस तो करना ही होगा, इतनी सेवा करूंगी मैं, इतनी सेवा करूंगी कि वो 20 लाख है ना मुझे ही मिल जाने चाहिए। अब साड़ी कहाँ से लाऊं, साड़ी पहन के उन्हें पानी पिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, वो इम्प्रेस हो जाएंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। लेकिन साड़ी कहाँ से आएगी, कितनी मेहनत करनी होती। ये क्या है? अरे यही तो है साड़ी, लेकिन इसको पहनते कैसे हैं? एक काम कर रही हूँ, नेट से देखती हूँ, गूगल पे देखती हूँ, फिर पहनती हूँ। साड़ी कैसे पहनते हैं गूगल? अब पहनती हूँ। अरे वाह यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, मुझे लगता है बूढ़ी अम्मा लगाती होगी। अगर पैसे मेरे अकेले को मिल गए ना तो मैं इस तोते गधे को बताऊंगी भी नहीं कि मेरे पास पैसे हैं और इनने दे दिए पैसे, मैं अकेले उस पैसे को लेके चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर। अब तो मोर बहुत दिमाग खराब हो रहा हूँ, यानी ऐसे सांस फूल सी रही, पता नहीं और कितने टाइम लो मैं जियत, कितने टाइम लो जियत, तो टेंशन और मोरे मुंह पे धर दी लड़का ने आगे, कैसी तो वो बहू लिया हाथ बनी सी, हमें का कर मोरे मुतला बी पिलो हो रहा है मोर, मैं टवा को ना जाऊं। अरे कहे आए अब ते डोकरिया मरी जा रही, चिंता ना कर अब धीरे धीरे सब सही हो जाए है, और अगर को पूछे ना सो को से चर्चा ना करिए, को से ना बताइए, यही कहिए कि उ की कॉलेज की दोस्त था, आपस में समझ ले भी कि का करने उ के साथ, और अपनी नाक बचाने इज्जत बचाने बना कि कट ना पाए कन्ने तो आ ही कछु ना कछु आंदोलन को। आओ
चिंता ना कर, अब धीरे धीरे सब सही हो जाए। चलो झाली सलगा दी, चलो बरी जा, जल में बहु है देखे बक महारानी का करा थी। देखे या कहिए बना रोटी और सोचे इतना बुढ़ापे में सुख मिले तो वही नहीं है। बजा का कर भी हाँ लगी दुतिया पे रजे ऐसी का महारानी बन गई है। हाँ आंटी जी, बस पहन ही रही थी मैं साड़ी। आंटी जी को आहे ते आंटी आंटी अंजल लाज जब से आप ही तो हो आंटी। बाई का करिए बाई, या मैं ठीक है आंटी ना ही। ओके बाई बोलूंगी ठीक है। अरे पढ़ी लिखी गवार बाई नहीं, बाई बोल बाई बाई। हाँ आप था सही है। ओके दुतिया पहन रहा की ना कह रही थी तो उसे तो दिमाग पा गई। आप खुश हो जाओ इसलिए साड़ी पहन रही हूँ सिर्फ आपके लिए। अच्छा दिमाग तो है तना माना, भलाई ऐसी आधे कपड़ा पहन के आई थी फिर भी दिमाग तो है ही है। भाई आपको भूख लगी होगी ना, अभी मैं ना तैयार होके आती हूँ और खाना बनाऊंगी आपके लिए। ओके अरे वाह मुझे बहुत समझदार सी लगा। अभी आती हूँ साड़ी पहन के। हाँ ठीक है ओके, आप आराम करो। एक बार ये बुढ़िया खुश हो जाए मुझसे, इम्प्रेस हो जाए, फिर ये सारे पैसे मुझे दे देगी, फिर मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगी और पार्लर पे जाऊंगी सीधे। और मुझे अपना ट्रीटमेंट भी करवाना, ब्यूटी पार्लर भी जाना, हेयर कट बहुत कुछ करवाना है। चलो इसको इम्प्रेस करती हूँ, अब तो पहन ली है मैंने साड़ी। कहा तो गई तो थी जद्दयानी और आ रही है भाई, बहू ने कहा जाद हुआ कर दो तो पता नहीं है। पता है बा मुख से कर भी खिलानो ने दुतिया पहले पूरी ऐसे सी लपेड़े हां जुटी थी दुतिया। हां ता अगर ऐसी रहता तो कोनो बिलो रही नहीं है, फिर घर में रहे दो ही लड़का बहू। और पता है काती अम्मा तुम जाओ मैं खाना बना कर लाती हूं, तुमको भूख लगी होगी। अच्छा ऐसा काती। हां ता तो बहुत अच्छी बहू है जो वापस और जो लगा तू के जगना कहां से ब्याह कैसी ले आ मोड़। अरे बाजा तो हूर की परी लग रही, दुतिया कैसी है जल्ला पीड़ लई है। अरे दादाजी और बाई भी है साथ में, एक काम करती हूँ नमस्ते कर लेती हूँ दोनों से, इम्प्रेस हो जाएंगे दोनों और पैसे मुझे मिल जाएंगे। नमस्ते बाबूजी। ओ भाई जो कहा होगा भाई, अब तो आप खुश हो ना। अरे बाबू खुश तो हो, नीचे तो देखो नीचे। देख ले जे तोरी बहू यहाँ सोदर नया है का, ते काती साड़ी पेरत बा जो अकरत बा भाई चोरा। मैंने तो कही थी कि बस सुधर गई हुई है, कछु नहीं छोड़ो मैं बाल बच्चे, अब कौन उसे बनाता है पैर सिखा दे ये सो। हाँ। बाबू जो कहा तुमने कल दद्दा के सामने, दद्दा सामने देख रहा हूँ भाई सामने देख रही। बाबू मुझसे गलती हो गई, मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि अच्छी बढ़िया साड़ी पहन के जाऊंगी, उनके सामने पता नहीं क्या हो गया। अरे बाबू खा लेने दद्दा हम वो देख लीजिए, वैसे ही तो मुँह ऊपर गुस्सा है कि बहू कहाँ से ढूंढ कर ले आओ, और जो देख रहा है सो देख रहा है आज मुँह मुँह तो लग बाहर जहाँ से सोने को लठ जलाई दी मुँह में। गलती हो गई मुझसे, बस एक मौका और दो अगली बार से अच्छे से पहनूंगी। अरे यहाँ बाबू एक काम कर रहे भाई, हले एकदम बुला के भाई पहना दे तुम्हें अच्छी से साड़ी, अब तुम ना पहनो अपने हाथ, हमने देख ली तुम्हारी तो। ओके बुला दो ठीक है, जाई थे भाई यहाँ बुला के आई। बहुत नाराज हो गए, इतना गुस्सा है कि मुखाण आ रहा था, मैं तो तना उसे तारीफ करी थी कि मुझे बहुत सुधारे आई हूँ ना, लगता पैर लही पूरे हैं सब धो रहा हूँ। से खा दी जाके अच्छे से, अब मैं कहा बता कौन मैं यहाँ पैर मुँह पे कौन बनाता है, हाथ ना सिखा देता फिर। ए ठठरी गंडा चलो जाते बाहर के, अब तो मर है बिल्कुल बहू लो भाई अच्छे से पैर था जी, अब तो दादा गुस्सा ना हो खुद तो खुद मुहा बिल्कुल खान डाला जी बहू और लड़का जो दद्दा कहाँ से तो फंस गई मैं भाई। आज करा थे वो ठीक से नहीं पहन पाई थी मैंने साड़ी, ठीक से नहीं पहन पाई थी मैंने साड़ी, ऐसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। ठीक है बेटा तो पहले ही तुमने धुतिया। हाँ तो संभाल रही हो तो ना है देवी, होते बाहर नाक ना कटवा दे के हाँ नमस्ते राम राम करने लगो तो तुम जाके कौन से। अब मैं ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है ओके भाई, मैं रोटी बना लूँ आपके लिए। हाँ ठीक है तो ना मैं घंटा में कुआ पे जाना हुए। ओके आप चले जाओ कुआ पे, मैं जब तक खाना पीना बना लूंगी। ठीक है ओके अभी जाती हूँ।
चलो मैं भाई के लिए अच्छी सी रोटी बना लेती हूँ, अच्छी सी सब्जी। भाई है ना, आपकी बार तो इम्प्रेस हो ही जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा ये क्या है, और यहाँ पे गैस चूल्हा तो है ही नहीं है जिससे मैं खाना बनाऊं, और आग तो इसी में लगी है। अब क्या करूं, मुझे लगता है इसी से बनाना पड़ेगा खाना। बाबू क्या कर रहे? मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। अरे बाबू खाना बना रहा हूँ। हाँ है, बना ले हो तुम? हाँ बना लूंगी मैं। अरे बहुत अच्छा बाबू, दद्दा भाई तो मोरी हुज्जे बहुत खुश। हाँ मुझे खाना बनाना आता है थोड़ा थोड़ा। अरे बाबू बहुत अच्छी बात है, तुम्हें और सीख जाओ तुम इतने बने हो सो। हाँ बस इस पे नहीं बनाना आता, गैस चूल्हा होता तो थोड़ी आसानी हो जाती। बाबू वो हम ले आ दे अभी, सो गैस चूल्हा वो आजे है। ओके तुम एक काम करो, जब तक मैं सब्जी बनाती हूँ तुम एक रेड सॉस और एक ग्रीन सॉस लेके आओ, और चौमिन और गोलगप्पे। हाँ हाँ बाबू, सो कितो ले अभी जो बता दो। थोड़ा थोड़ा ही लेके आना, मुझे बस खाना है। ठीक है बाबू, तुम जब बना रोटी जो हम लेके आई। ओके सुबह तुम खा लो। ओके हाँ हाँ अभी बनाती हूँ सबके लिए चटाकेदार खाना। आग तो लग ही नहीं रही है। आग में धुआं चला गया। कितना धुआं हो रहा है, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता इस पे। गैस चूल्हा होता तो थोड़ी आसानी हो जाती, अब कैसे बनाऊं मैं? ये क्या है? हाँ इसी पे बनाते हैं रोटियां। पहले रोटियां बना लेती हूँ, एक काम करती हूँ आटा उठा के लाती हूँ। नेटवर्क तो आ ही नहीं रहे हैं, अब मैं खाना कैसे बनाना देखूं? फोन में देख लेती खाना बनाना तो खाना ही बना लेती, अब नेट ही नहीं चल रहा, अब क्या किया जाए? एक काम करती हूँ, खाना बनाना मुझसे नहीं हो पाएगा, पानी भर लेती हूँ। हाँ इसमें तो इम्प्रेस हो ही जाएगी वो बूढ़ी दादी। खाद डाल रहे हैं कही थी लड़का से, ये तो ये तन तन सी खाद डाल रही, ऐसे में सोई फसल होता है। कहीं सुन रहे काबड़ बड़ा भी लगे। हाँ अरे मैं जो कहती कि चलो रोटी वोटी खा लो बिहारी कर लो। आओ बन गई रोटी? हाँ बहू ने बना दी है। गाँव बहू से बन जात कर रोटी, उसे धुतिया तो पैरत नहीं बनाता, तेने रोटी बना है पहुँचा दाऊ। अरे बकाती की मैं बना लो हूँ भाई, और तुम जाओ खेत एम्स में आ गई मैंने की ठीक है बना ले है तो इसे चुका है। बुढ़ापे में जे दिन देखने आ रहे मोहा। बाबू आप मुझे पता कहाँ चली गई? बाबू देखिए मैं छोड़ अब मान लो इन्हें है देख तो कहाँ करके रह गई। अब भाई उद्दा भाई यहाँ देख लेने ना सुने खा खा जाने ऐसी यही की रोटी बनती। बाबू जी गिर गए थे
कहाँ होगा बाबू? उनको लग गई है, उनको पकड़ो, वो गिनने वाले हैं अभी। बाबू वाले पहले देखा अपने बाप को हाल क्या पकड़ रहे हैं। अरे मोरा पूरा ही बाहू ने कहा होगा दद्दा हो कहा गाओ भरो कल सा पटक दो पाँव पे मोरे। दद्दा बाबू ते कहाँ से पहुंची बात रोटी बना उत्ती? अरे रोटी का बना उत्ती होते पानी भरन गई बा। अरे देख तो जो मामी हे भगवान बैठ जाओ उते बैठ जाओ। दद्दा जादन पर लग गई तुम्हारे। अरे बहुत तेज पिरा रहा रे लगा जैसे टूट गया हूँ जो अंगूठा पूरा पाँव भर गया रे टोर खे मोरा संभालू बहुआ झुका देख रहा तेरे खड़े खड़े जा जा पे मैं जी देना देख मैं आए भाई जा तुम्हें तो जा चलो दद्दा जा तो तुम नौकती आओ ना। अरे जल्दी जा रे पाँव टूटो जा जी देना देख यहाँ रह गए तीस अच्छे तुम्हें पहली मर जा। कछु करम धर्म की नहीं है तुम अपनी सास के पांव छूने अब तुमने लात मार दी या उतने और मोरा पांव तोड़ा रो बुढ़ापे में जी ढंगा दिखा रही। देखिए एक बार गलती हो गई अभी छू लेती हूँ पैर में। अरे मैं हलवा जाऊंगा कछु लाज शर्म नहीं है जी देना दिखाओ बहू का बहू लेके आई हे भगवान। बाबू कहाँ हो गए? बाबू तुम आ गए हो। कहाँ हुआ बाबू कहाँ हुआ? मैं तुम्हें क्या बताऊँ तुम बाहर चले गए थे। तुम्हारे दोनों मम्मी पापा ने दोनों ने मिलके मुझे बहुत सुनाई मारा भी है मेरा चश्मा भी ले लिया। ओ बाबू जो कहा तुम कहाँ ले जाती जा साड़ी कहाँ ले जाती? पता नहीं वो हादसा हो गया वहाँ साड़ी खुल गई थी इसलिए उन लोगों ने डांट दिया। मान लो क्या करूँ मैं कहा ना करो कहा ना करो तुम दो ही के धोने के लेते हमें रखने ही नहीं है दोनों। हाँ अरे भाई सु का होगा दद्दा का रोज रोज काट जो हाय कुला चुना दे के पहले फेर के उते दूध के खोल के आई का चुला शर्म नहीं है का। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया मुझे नहीं रहना है यहां पे चलो। भाई उन्हें देखी हम बहुत नजूरत ऊ की नहीं गलती बिल्कुल नहीं रखने ऐसी ऐसी हमें बहू ऐसे जाने नहीं आते भी नहीं करो जा घर से ऐसी नोनी तो बहू है तो पूरे गांव के काट के ऊ की बहू बहुत अच्छी है बहुत प्यारी आई। हाँ जानी देखो कौन है नहीं कि जे ढंग का पकड़ा उसे घर में भाई बाकुन बाहर जा सीख जे हरे हरे रात रात अब शहर की इतना गांव में टाइम लगे। मैंने बोला भी है कि मैं पहली बार आई हूँ यहाँ गांव में आदत नहीं है मुझे लेकिन अब मुझे आदत रखनी भी नहीं है मैं नहीं यहाँ रह पाऊंगी। बाबू कौन जाने कहा बाबू चलने का रहते से भाई तुम जो बताओ मुँह पहले एक ठो लड़का है तुम मुझे नहीं अच्छे से रख सकती है। जा रहा हो नहीं घर से नहीं तक गाँव में मैंने डंडा तो देख मैं नहीं जा रहा हुआ कहा नहीं जा रहा हुआ बस बुड्ढे बस बुड्ढे मैं तेरा खून पी जाऊंगी। पकड़ ले भैया उनको हाथ घलवा तो जो करता है। और सुन बुड्ढे अगर मेरे बाबू को हाथ लगाया है ना तो मैं खून पी जाऊंगी तो छड़ी शर्म नहीं है मारे डरे तो बाप बाप लोबा जा रहे थे मुझे ना नहीं सो रही है। अरे बाप कहूं नहीं जाने तुम बैठो तो कहूं नहीं जाने इनको तो रोज रोज को बजे लगू रात देखो कल मैं ईरान दे जो अंदर से आए हैं हम एक लड़का वो यहाँ बिल्कुल दो ही टाइम खा ले रहा बाप और मताई मेरे को सुन के पूछ ले बे का दिक्कत है का नहीं है जो अंदरा से आए बाहर निकलो नट्टा कर जाए तो सो नहीं रहते हां कर जाए भी बहुत होगा इधर में अब कल में ही मिल रहा बिल्कुल चलो बाबू बाबू जो बाबू ई के लाने बड़ो करो तो तुम्हें वो तो पैसे नहीं देने इसलिए नाटक कर रही है बुढ़िया। हां बाबू चलो तुम नहीं नाने इनके घर में